चंद्र ग्रहण 2020 में आपके लिए क्या है खास। चंद्र ग्रहण में क्या करे क्या ना करे, यह चंद्र ग्रहण आपको करेगा मालामाल, जानिए कैसे। लाइक करें, कमेंट करें और इस तीर के निशान से हमारी वीडियो को शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह, और हमारी लेटेस्ट वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। चंद्र ग्रहण 2020 गुरु पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के साथ साथ जाने आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, क्या करे और क्या ना करे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DK2 न्यूज में। चंद्र ग्रहण 2020 आषाढ़ पूर्णिमा के दिन लगने वाले उपचार चंद्र ग्रहण 5 जुलाई 2020 रविवार को सुबह 8:37 पर शुरू होगा। इसके बाद ग्रहण सुबह 9:59 पर अपने सबसे अधिकतम प्रभाव में होगा। चंद्र ग्रहण के दिन 11:22 पर खत्म हो जाएगा। इस बार का ग्रहण 2 घंटे 24 सेकंड तक रहेगा। ज्योतिषविदों के मुताबिक इससे ग्रहण लग रहे हैं, इसमें साल का तीसरा चंद्र ग्रहण रविवार 5 जुलाई को लग रहा है। इसमें पहले जून महीने में 5 जून को चंद्र ग्रहण लगा था, इसके बाद 21 जून को सूर्य ग्रहण, और अब एक बार फिर से चंद्र ग्रहण लग रहा है। भारत में चंद्र ग्रहण को नहीं देखा जा सकेगा, लेकिन यह ग्रहण दूसरे देशों में सुबह 8:38 से लगेगा। सुबह 9:59 में ग्रहण का अपना परम ग्रास होगा। दिन में 11:21 पर उपछाया चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इस बार चंद्र ग्रहण पर गुरु पूर्णिमा का विशेष योग बन रहा है। आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा दिन रविवार, इस दिन पिछले चंद्र ग्रहण से ठीक एक महीने बाद एक बार फिर से 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण लग रहा है। हालांकि इस चंद्र ग्रहण का तात्कालिक प्रभाव भारत में नहीं दिखा जा सकेगा, जबकि दुनिया के दूसरे हिस्से में यह ग्रहण सुबह 8:37 से शुरू होगा और सुबह 9:59 का अधिकतम ग्रहण ग्रास प्राप्त करेगा। सुबह 11:37 तक चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। ग्रहण की कुल अवधि 2 घंटे 43 मिनट और 24 सेकंड के लगभग होगी। पूरे साल में अलग अलग 6 ग्रहणों को लेकर आए साल 2020 में जुलाई महीने और एक और ग्रहण का गवाह बन रहा है। इस बार 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। अभी से ठीक एक माह पहले 5 जून को चंद्र ग्रहण और 21 जून को रविवार को सूर्य ग्रहण लगा था। अब 5 जुलाई को फिर से चंद्र ग्रहण लग रहा है। यह अपने साथ छोटे बड़े कई प्रभाव को लेकर आएगा, तब काल नहीं होंगे प्रभावी। इस बार चंद्र ग्रहण गुरु पूर्णिमा के दिन 5 जुलाई दिन रविवार को लगने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण के बारे में सबसे खास बात यह है कि चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। यह ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, जिसके भारत में दिखाई न देने के कारण चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी प्रभावी नहीं होगा। 2 घंटे 43 मिनट और 24 सेकंड तक चंद्र ग्रहण लगेगा। 5 जुलाई दिन रविवार को लगने वाला साल 2020 के तीसरे चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 2 घंटे 43 मिनट 24 सेकंड तक होगी। इस बार लोग भारत में उपछाया चंद्र ग्रहण को नहीं देख पाएंगे। इस चंद्र ग्रहण को यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बड़े हिस्से में आसानी से देखा जा सकेगा। देव गुरु बृहस्पति धनु राशि में, ज्योतिषविदों का मानना है कि यह चंद्र ग्रहण धनु राशि में लगने जा रहा है। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक 30 जून को ही देव बृहस्पति राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस राशि में राहु पहले से ही मौजूद है, ऐसे में चंद्र ग्रहण के दौरान बृहस्पति पर राहु की दृष्टि धनु राशि को सीधे प्रभावित करेगी। मन में आएंगे नकारात्मक विचार, इष्ट देव का रखे ध्यान। इस राशि के जातकों को चंद्रमा कमजोर होने से थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है, उसका मन अशांत होगा। नकारात्मक विचारों के चलते वो थोड़े समय के लिए अव्यवस्थित हो रहेंगे। धनु राशि और मित्र वर्ग के जातकों को इस अवस्था में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। वो अपने मन को एकाग्र रखने के लिए अपने आराध्य इष्ट देव का ध्यान लगाए। कई रहस्य को समेटे है चंद्र ग्रहण। ज्योतिष विज्ञान की माने तो इस साल का तीसरा चंद्र ग्रहण भी अपने आप में कई रहस्य को समेटे हुए है। इस चंद्र ग्रहण वर्ष 2020 का तीसरा चंद्र ग्रहण है जो कि उपछाया है। उपछाया के बारे में कहा जाए कि इस तरह का चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चांद के बीच पृथ्वी आती है, लेकिन तीन एक सिद्ध में नहीं होते हैं। एक लाइन में सीधे नहीं होने के कारण चांद की छोटी सी सतह पर छाया नहीं पड़ती है, जबकि चंद्रमा के बाकी हिस्से पर पृथ्वी के भारी हिस्से की छाया अनवरत पड़ती रहती है। इसे ही उपछाया कहा जाता है।
चंद्रग्रहण एक खास खगोलीय घटना है। चंद्रग्रहण एक खास खगोलीय घटना है। चंद्रमा जब पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी प्रच्छाया में आ जाता है तो चंद्रग्रहण लगने लगता है। देखने के लिए कोई अतिरिक्त सतर्कता और विशेष सावधानी की बरतने की जरूरत नहीं होती है। चंद्रग्रहण को नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। भारत में नहीं दिखेगा चंद्रग्रहण। सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होकर गुजरता है, हालांकि इसे हम खुले तौर पर नहीं देख सकते। इसके लिए कई सावधानियों की जरूरत होती है। एक्स-रे ग्लास, काला चश्मा, वेल्डिंग ग्लास आदि से सूर्य ग्रहण को देखा जा सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियोस जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।